और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान सामने आया है। बीजेपी हाउस ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है उनका कहना है, और ये भी कहना है कि चुनाव आयोग में शिकायत के बाद बीजेपी बौखला गई है। तो महेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस के पास 126 विधायक है, बीजेपी बुखला गई है, ऐसा महेश जोशी का बयान सामने आया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान सामने आया है। जिस तरीके से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कहा है और लगातार कांग्रेस पर अब सवाल निशान करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की जो काला धन है वो कांग्रेस इस चुनाव में इस्तेमाल करेगी, तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कांग्रेस के खिलाफ। हालांकि अब जो है मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान सामने आ रहा है, उनका कहना है कि बीजेपी बौखला गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो है आगामी चुनाव को लेकर के अब तैयारियां भी जोरों शोरों से हो गई हैं, पक्ष विपक्ष भी हो रहा है। साथ ही साथ महेश जोशी का कहना है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जानी जाती है, चुनाव आयोग में शिकायत के बाद बीजेपी बौखला गई है। और जोशी का यह भी कहना है कि कांग्रेस के पास 126 विधायक हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि जना के हॉर्स ट्रेडिंग की, मैंने राज्यसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को लेकर एसीबी में और चुनाव आयोग में शिकायत की। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग की, जना के हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा डालने वाली पार्टी है, अब आज वो पार्टी राजस्थान में ईडी को शिकायत कर रही है। उनकी बौखलाहट है, खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले लोग हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को लेकर ईडी में शिकायत कर रहे हैं। ये हास्यास्पद स्थिति भी और उनकी बौखलाहट का परिणाम भी है। राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार 126 विधायकों का समर्थन सिद्ध कर दिया है। 108 विधायक कांग्रेस के, 2 विधायक सीपीएम के, 2 विधायक बीटीपी के, 1 आरएलडी के और 13 निर्दलीय विधायक। ये सारे विधायक मिलकर एकजुट हैं लगातार अब तक, चाहे विश्वास मत की बात हो या दूसरे अवसर आए हों या पिछले जो भी मत विभाजन की स्थिति आई हो सदन में, 126 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हमेशा रहा है, अभी भी 123 विधायकों की आवश्यकता है। 41 वोट पर एक राज्यसभा उम्मीदवार जीतता है। हमारे 3 उम्मीदवारों के लिए 123 की संख्या चाहिए, उसके बावजूद हमारे पास 126 का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी जिसके अपने विधायक 71 हैं, 41 अगर उनका 41 मतों पर एक उनका राज्यसभा सांसद जीतता है, 30 वोट बचते हैं। मान लीजिए आरएलपी उनको समर्थन देने की बात करती है तो भी 33 से उनके पास विधायक होते हैं। 8 विधायक कहाँ से लेकर आए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हॉर्स ट्रेडिंग की बात है। ये जो उम्मीदवार जिनको निर्दलीय बताकर खड़ा किया जा रहा है, ये असल में भारतीय जनता पार्टी को खुद अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के माथे पर नहीं फूटे, इसलिए इनको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में।